पहले हम लोग तो सिर्फ सुनते थे कि पाव भाजी इंडिया के ड्रामों में, इंडिया के शो में। तो भाई ने यहाँ पे जैसे खोली तो हमने आके पाव भाजी खाए, हमें बहुत मजा आ गया। इससे इसका जायका अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि हम आमतौर पे बर्गर वगैरह खा लेते हैं या यहाँ वहाँ खा लेते हैं, तो इससे माशाल्लाह इसका जायका बिल्कुल, यानी कि बंदे का मुंह का टेस्ट चेंज करना हो तो यहाँ पे बंदा आ जाए। बंद होता है इसको पाव कहते हैं हिंदी जबान में, इंडियन फूड है, इंडियन लोग इसको पाव कहते हैं और हम इसको डबल रोटी और बंद कहते हैं। मिक्स सब्जी है 10 किस्म की और देसी मक्खन में बनती है, मसाला इसका स्पेशल होता है। भाजी जो है वो हम घर से तैयार करके लेकर आते हैं और कस्टमर जब हमें ऑर्डर देता है कि भाई इतनी प्लेट है, तो हम भाजी तवे पर डालते हैं, उसमें मक्खन ऐड करते हैं और स्पाइसी करनी हो तो उसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, उसको अच्छे तरीके से फ्राई करके फिर रोटी भी फ्राई करते हैं। रेसिपी बॉस छोटा भाई दुबई में था तो वहाँ से इंडियन शेफ से सीखी है उसने। कराची में जो फूड स्ट्रीट फूड मिलता है इससे ही अलग है। ये हिंदी को देख के हिंदू कम्युनिटी जो है हमसे बहुत खुश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे कोई मसला नहीं है, हमने 8 महीने से नाम रखा हुआ है मुंबई पाव भाजी। लोग नाम देख के बहुत खुश होते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं। हमारे पास इसमें दो वेराइटीज हैं, सिंगल जो है वो 120 की है, डबल जो है वो 180 की है। अल्हम्दुलिल्लाह मंडे टू फ्राइडे हमारे पास कस्टमर 100-105 हो जाते हैं और इसके अलावा सैटरडे संडे जो है हमारे पास डबल हो जाते हैं कस्टमर।